दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में स्थानीय छात्रों के लिए 85% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। शिक्षकों और छात्रों ने इस फैसले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। DU के प्रोफेसर का कहना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय को उसकी विविधता के लिए जाना जाता है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। शिक्षकों का आरोप है कि पहले भाजपा और अब आप सरकार ने विश्वविद्यालय की प्रकृति का सम्मान किए बगैर ये वादे किए हैं। सरकार का यह फैसला राजनीति का हिस्सा लगता है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय राजनीति के आधार पर शिक्षकों और उनके बीच एक खाई तैयार करना है। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने कार्यकारी परिषद की आगामी बैठक में इस कदम का विरोध करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसके तहत DU के 28 कॉलेजों में 85% सीट स्थानीय छात्रों के लिए आरक्षित की गई है। इसके लिए सरकार ने DU एक्ट 1922 में संशोधन किया है, ताकि दिल्ली के छात्रों को विशेष सुविधा दी जा सके। साथ ही दूसरे राज्यों के छात्रों के लिए अलग नियम की बात कही गई है, जिसके तहत उन्हें परीक्षा के बाद ही दाखिले की अनुमति दी जा सकेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा कि वो इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए DU एक्ट में किए गए संशोधन को मंजूरी दे। इस संशोधन को मंजूरी मिलने के लिए नए शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने में सहायता मिलेगी और छात्रों को कॉलेज चुनने के लिए बेहतर विकल्प मिलेंगे। यहां आपको यह भी बता दें कि अभी दिल्ली की 3 यूनिवर्सिटी में स्थानीय छात्रों के लिए 85% सीटें आरक्षित हैं। इन कॉलेजों में दिल्ली तकनीकी यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान और IP विश्वविद्यालय शामिल हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय में हर साल छात्र अन्य राज्यों से पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को 85% आरक्षण देने वाला दिल्ली सरकार का यह फैसला उनके लिए झटके जैसा है। जाहिर है, फैसले का विरोध तो होगा ही, हालांकि इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार ही लेगी। देखते रहिए DB लाइव।